नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में। आज हम आए हैं गया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया कॉलेज का रिव्यू करेंगे, उसका कैंपस के बारे में देखेंगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका फैसिलिटी और फैकल्टी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पीछे देख रहे हैं गया कॉलेज का जीपी गया का मेन गेट है, मेन गेट से हम लोग इन किए, उसके बाद फिर इधर हम लोग आएंगे। तो इधर इसका मेन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो होता है, यहाँ पर फैकल्टी वगैरह, क्लास वगैरह, क्लासरूम, ये सब इधर है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे है। अंदर आने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ग्राउंड दिखेगा, बैडमिंटन कोर्ट, यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है और यहाँ पे स्टूडेंट के लिए बैडमिंटन खेलने के लिए फील्ड बना दिया गया है। और आगे में भी वहाँ पर भी एक बैडमिंटन कोर्ट और है, वहाँ पर बनाया गया है। और इधर पर देखिए गार्डन टाइप का बनाया गया है, यहाँ पर सारा चीज़ का ख्याल रखा गया है। यहाँ पर आपको इन्वायरमेंटल क्लीन किए कर रखने के लिए पेड़ वगैरह लगाया गया है, बहुत सारा प्लांटेशन किया हुआ है यहाँ पे, एकदम ग्रीन ग्रीन आपको यहाँ पे दिखेगा। और एक और बैडमिंटन कोर्ट है जो यहाँ पे आपको है, और एक बैडमिंटन कोर्ट जस्ट मेरे पीछे है। और जैसे ही आप दोनों ही बैडमिंटन कोर्ट के बीच से गुजरेंगे तो आपको पीछे दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक्स भवन, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स भवन। इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अंदर हम लोग आ गए हैं अभी, यह है क्लासरूम, वहाँ पे KYP का भी दिख रहा होगा आपको, उधर KYP वाला लैब है, KYP लैब एक वहाँ पे भी एक स्टाफ रूम यहाँ पे है। इधर आपको टॉयलेट दिख जाएगा और यहाँ पे पानी पीने के लिए यहाँ पे लगाया गया है, फिल्टर भी लगाया गया है। यहाँ से देखिए बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं, बस एक ही चीज़ की कमी यहाँ पर है, वो है आपको इसका कैंपस है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो आपको ओल्ड मिलेगा, बाकी सब कुछ यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड किया गया है। अभी हम आ गए हैं जीपी गया के इलेक्ट्रॉनिक्स भवन, उसके छत पे आ गए, यहाँ से आपको दिखाएंगे कि यहाँ से आपको क्या क्या दिखेगा और यहाँ से कैसा नज़ारा है बाहर का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आप पीछे जो देख रहे हैं, पीछे उधर भी जो भी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इस जो बिल्डिंग दिख रहा है पुराना बिल्डिंग, उसके जस्ट अपोजिट साइड में वहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। और इसके जस्ट अपोजिट साइड यहाँ पे अगर बात करेंगे तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, इसके जस्ट पीछे ही गर्ल्स हॉस्टल का भी काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। और यहाँ पर आपको बता दें क्लियर कि इस सेशन में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उनको भी मतलब हॉस्टल का सुविधा नहीं मिलने वाला, मतलब कि यहाँ पे जितने भी गया कॉलेज के भी जितने भी स्टूडेंट हैं उनको अभी हॉस्टल का सुविधा यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हॉस्टल जो है बन रहा है। हॉस्टल बनने में आपको 6 महीने भी लग सकता है और मैक्सिमम अगर बात की जाए तो 1 से 1.5 साल भी लग सकता है, उसमें भी ज़्यादा टाइम आपको लगेगा। पीछे आप देख सकते हैं, पीछे गार्डन है, इसके जस्ट पीछे ही गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है। ये जो पेड़ जो दिख रहा है आपको, पेड़ के जस्ट उधर अगर बात करें तो वहाँ पे फल्गु नदी है, जस्ट कॉलेज के मतलब जैसे ही जो पीछे वाला बाउंड्री ख़त्म होता है उसके जस्ट ही फल्गु नदी जो है वो स्टार्ट होता है। और यहाँ से आपको केवल पेड़ ही पेड़ दिखेगा, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा प्लांटेशन पे जोर दिया गया है, प्लांटेशन पे काम किया गया है, ये काफ़ी अच्छा है और ये लगभग हर कॉलेज में किया जाना चाहिए ताकि वहाँ का इन्वायरमेंट जो है साफ़ सुथरा रहे। यहाँ से जो इंस्पायर्ड होकर बहुत लोग अपने एरिया में भी प्लांटेशन कर सकते हैं, इसलिए अपने आसपास के एरिया को पूरा प्लांटेशन कीजिए वहाँ पे और लोगों को इंस्पायर कीजिए प्लांटेशन के लिए। यहाँ पे देखिए जो छत है काफ़ी पुराना है, मतलब जो जीपी गया है ना वो नया नहीं है, इसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग जो है वो पूरा ओल्ड है। गार्डन के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया गया है, यहाँ पे आपको सब जगह हरा भरा दिखेगा, एक अच्छा लोकेशन यहाँ पे मतलब एक अच्छा व्यू बनाया गया है कॉलेज के अंदर। इंटीरियर पार्ट की अगर बात करें तो इंटीरियर जितना ज़्यादा खूबसूरत उससे ज़्यादा इसका एक्सटीरियर खूबसूरत मिलेगा आपको। यहाँ पे बैठने के लिए यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ पे कौन बैठता है मतलब किसके लिए बनाया गया है? अच्छा, टीचर लोग का मीटिंग होता है तो यहाँ पे होता है। अच्छा, और इसके अंदर कौन रहते हैं? प्रिंसिपल सर का आवास है, देखिए है प्रिंसिपल सर का आवास। अरे प्रिंसिपल सर तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो गया नहीं, चरण सर का ट्रांसफ़र हो गया, हम लोग नया गार्ड सिक्योरिटी हैं, छः
दिन पहले ज्वाइनिंग दिया। कहाँ के प्रिंसिपल थे पहले? हमको पता नहीं सर। अच्छा, यहाँ के जो प्रिंसिपल थे नित्यानंद सर, वो मेरे ही कॉलेज में भी चले गए जी पी कैमूर में। हम लोग का पता नहीं। अच्छा अच्छा, ये है राजकीय पॉलिटेक्निक गया का मेन कैंपस। यहाँ पे आप यहाँ से इन कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होता है, उसके लिए अच्छा स्पेस बनाया गया है। आपको ऐसा तो मतलब ज़्यादातर मिलेगा नहीं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में, लेकिन यहाँ पे ऐसा बनाया गया है। और यहाँ पे गार्डन है, इधर आप गार्डन देख सकते हैं, जी पी गया का गार्डन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजकीय पॉलिटेक्निक गया। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं अंदर क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है। हम आ गए हैं अभी इसके जस्ट मेन एंट्री गेट पे और मेरे साथ यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है। तीन लोग से हम कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बताइए कि मतलब यहाँ पर पढ़ाई कैसा होता है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? हाँ सर, तो अच्छा चल रहा है सर, जब से आए तब से। यहाँ पढ़ाई वगैरह सारा मतलब स्टूडेंट लोग का सिक्योरिटी भी यहाँ पे अच्छा है? अगर जो होस्ट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सारा चीज़ व्यवस्था है। अच्छा, लड़की लोग का हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल है यहाँ पे? नहीं, बन रहा है। अभी गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल दोनों मतलब अभी बन रहा है। अच्छा, काम चालू है। और सारा कुछ मतलब खेलने का जो सुविधा मिलता है स्टूडेंट लोग को सब? अच्छा, तो अभी क्लास चल रहा है कि अभी बंद है क्लास? अभी बंद है। अच्छा, यहाँ पे तो अभी एग्जाम होने वाला सिक्स सेमेस्टर का सेंटर आएगा ना, यहाँ पे टेकारी का सेंटर यहाँ पे आता है ना? जी सर। ठीक है, चलिए अंदर चलते हैं और आपको यहाँ पे दिखाएंगे क्या क्या कैसा क्लासरूम है अभी। अब हम लोग चलते हैं जीपी गया के फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे देखते हैं क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटी है और क्या कौन सा क्लासरूम आपको कहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप लाइब्रेरी देख सकते हैं, ये हो गया लाइब्रेरी। और इधर ऑफिस है, इधर आपको सारा ऑफिस वाला काम इधर होगा, आपका ऑफिशियल वर्क। और जो भी है इधर आपको क्लासरूम है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं क्लासरूम है इधर। मतलब अच्छा है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा लग रहा है अभी तक। यह है जीपी गया का अंदर का ही आपको सीन दिख रहा होगा। यहाँ फिजिक्स लैब, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉइल मैकेनिक्स लैब। ऑलमोस्ट सारा फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आप गया कॉलेज में आते हैं, गया कॉलेज को आप चूज करते हैं, तो आपको यहाँ पे सब कुछ फैसिलिटी मिलेगा। यहाँ पे आपको अच्छा एक फैकल्टी मिलने वाला है और अच्छा फैसिलिटी मिलने वाला है यहाँ पे। और इसका लोकेशन जो है मतलब आने का यहाँ पे लोकेशन बहुत मस्त है, टाउन से ज़्यादा अंदर है भी नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लेबोरेटरी लेडीज़ हैं। सारा लैब आपको यहाँ पे दिखेगा, सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। और जो आज तो संडे है तो शायद सब सारा रूम में लॉक लगा हुआ है, लेकिन अगर खुला रहता तो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं बाहर का सीन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उधर काम चल रहा है, बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल सारा उधर भी बन रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है मतलब कंस्ट्रक्शन का काम है, बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल उन दोनों का चल रहा है। और जो इसका क्लासरूम है और जो मेन कैंपस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक वो थोड़ा ओल्ड है अभी, ये भी मतलब पुराना है। लेकिन आपको हॉस्टल जो मिलेगा नया मिलेगा, उसमें अभी लेट है, हो सकता है कि इस बार जो न्यू सेशन वाले स्टूडेंट आएंगे तो उनको नहीं मिल पाएगा, लेकिन एक से दो सेशन के बाद आपको हॉस्टल यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। मेरे पीछे देख सकते हैं जीपी गया वो है उसका इलेक्ट्रॉनिक्स भवन। हम हैं अभी जीपी गया के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के छत पे, उसके छत पे हैं। और यहाँ से आप मेरे पीछे देख सकते हैं सब जगह हरा भरा आपको दिखेगा और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, अच्छा माहौल है। और यहाँ पे सारे लोग आपको अच्छे मिलेंगे, टीचर स्टाफ जितने सिक्योरिटी गार्ड से लेकर प्रिंसिपल तक। अभी हाल ही में जो जीपी गया के प्रिंसिपल थे और उनका भी ट्रांसफ़र जीपी कैमूर में हो गया है, जो नित्यानंद सर थे उनका भी हाल ही में ट्रांसफ़र हो गया है, वो चले गए मेरे कॉलेज में जीपी कैमूर में। जीपी गया के जो भी इंटरनल फैसिलिटी था वो आपने अभी देख लिया,
अभी इसका आउटर देखते हैं, जो बाउंड्री है उस भी क्या क्या, और बॉयज़ हॉस्टल का गर्ल्स हॉस्टल का कितना काम अभी हो गया है और कितना दिन में वो मिल जाएगा आप लोगों को, प्रोवाइड कर दिया जाएगा हॉस्टल, तो उसका भी काम देख लेते हैं और चलते हैं उसको देखते हैं कितना टाइम लगेगा उसमें। तभी कैंपस रिव्यू पूरा हम लोग का हो गया, इधर आप लोग पूरा देख लिए होंगे पूरा कैंपस अंदर का कैसा है। अभी हम लोग चलते हैं जहाँ पर हॉस्टल का काम चल रहा है, वहाँ पर दिखाते हैं कि हॉस्टल का काम अभी कितना हो गया है और कितना होना बाकी है और क्या क्या वहाँ पर अभी चल रहा है। तो चलिए दिखाते हैं आपको हॉस्टल। अभी हम आ गए हैं बॉयज़ हॉस्टल के साइड पे, जहाँ पे जीपी गया का बॉयज़ हॉस्टल बन रहा है, वहाँ पे उसका काम चल रहा है। तो वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे सारा साफ़ सफाई हो गया है और जो भी गड्ढा है यहाँ पे गड्ढा खोदा गया है। और अभी देखिए काम जो है जल्द ही लगता स्टार्ट हुआ है। अभी आपको यहाँ पर अगला सेशन या फिर उससे भी लेट हो सकता है आपको हॉस्टल बनकर रेडी होने में, इसलिए अभी यहाँ पर हॉस्टल का सुविधा अभी आपको नहीं मिल पाएगा। और गर्ल्स हॉस्टल भी है, गर्ल्स हॉस्टल का भी काम चल रहा है उधर। और हॉस्टल का दो बिल्डिंग है, जब हॉस्टल बन जाएगा तो जितने भी स्टूडेंट हैं जीपी गया का सब लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा हॉस्टल, लेकिन अभी काफ़ी लेट होने वाला है हॉस्टल फैसिलिटी में। बारिश की वजह से यहाँ पे काम अभी बंद हो गया है, लेकिन काम चल रहा है अभी। और अभी यहाँ पर आपको अगला सेशन में आपको हॉस्टल मिलेगा, अगला सेशन के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको प्रोवाइड किया जाएगा हॉस्टल, क्योंकि अभी 6 महीने या फिर उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है हॉस्टल बनकर रेडी होने में। इधर जो आप नदी देख रहे हैं फल्गु नदी, जस्ट कॉलेज के कैंपस के जस्ट पीछे ही है फल्गु नदी, मतलब आप लोग यहाँ पे घूम सकते हैं, अच्छा व्यू आपको मिलेगा। और अभी हम लोग इधर जा रहे हैं, आगे देखते हैं कहाँ तक इधर रास्ता बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं फल्गु नदी, उसके जस्ट पीछे उधर पहाड़ भी दिख रहा होगा आप लोग को। अभी देखिए मेरे कॉलेज स्कूल के सीनियर भैया हैं, वो भी इनका कॉलेज जीपी टेकारी है, और पहले जीपी टेकारी का क्लास भी जीपी गया में ही चलता था, लेकिन अब जीपी टेकारी शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे भी मतलब कौन सा और कॉलेज का क्लास चलता है अभी फिलहाल? तो लगता है अरवल इंजीनियरिंग का क्लास चलता है यहाँ। अरवल इंजीनियरिंग का क्लास अभी जीपी गया में चल रहा है, और अभी मतलब यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा जीपी टेकारी में यहाँ से। और टेकारी का तो कैंपस पूरा कंप्लीट है, हॉस्टल अलॉट होने वाला है, मतलब जो अब नया एडमिशन लेगा कैंपस मिल जाएगा उसे। अच्छा, और यहाँ पे मतलब पहले हॉस्टल था लेकिन अब पुराना होने के वजह से सबको तोड़ दिया गया है, रिपेयर हो रहा है, अब नया बन रहा है। पूरा हॉस्टल यहाँ पे नया बन रहा है अभी। अब मतलब इस सेशन में जो भी स्टूडेंट आएगा उसको तो हॉस्टल नहीं मिल पाएगा यहाँ पे, अभी 1 साल लगभग लग जाएगा। 1 साल अभी लेट है हॉस्टल यहाँ पे बनने में, तब तक आपको बाहर रहना पड़ सकता है, कैंपस के बाहर हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलेगा अभी आप लोग को। अभी हम लोग जीपी गया कि कैंपस के बाहर है, अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। पूरा कैंपस आप लोगों ने देखा क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यह है जीपी गया का मेन गेट, देख सकते हैं पीछे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।